मुझे भी सीओसी में अपडेट चाहिए। बेटा सीओसी में अपडेट, अक्टूबर अपडेट आने वाला है। तो कब आएगा? कौन सी चीजें आएगी इस अपडेट में? इस वीडियो को पूरा देख, तुझे पता चल जाएगा कौन सी चीजें आने वाली है आने वाले अपडेट में। हेलो दोस्तों, मैं आज आपको सीओसी में आने वाली न्यू अपडेट के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका प्यारा यूट्यूब अविनाश, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, क्लैश ऑफ क्लैंस ने ट्विटर पर ट्वीट किया था कि कौन सी न्यू ट्रूप्स और सॉरी कौन सी न्यू ट्रूप के लेवल आने वाले, कौन सी नए बिल्डिंग की लेवल आने वाली, ये सब बताया था। वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो और एक और गाइस गुड न्यूज़ कि क्लैश ऑफ क्लैंस अभी ट्वीट किया है कि एक न्यू सुपर ट्रूप हमें देखने को मिल सकता है, और वो सुपर ट्रूप आज ही देखने को हमें मिल सकता है। तो ये एक बड़ी खुशखबरी की बात है। तो चलिए गाइस, अपडेट के बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं वॉल्स से। तो क्लैश ऑफ क्लैंस ने ट्वीट किया है कि हमें टनल 13 पे 100 एक्स्ट्रा वॉल्स मिलेंगे, मतलब 100 और वॉल्स हम अपग्रेड कर सकते हैं लेवल 14 के, मतलब हम 100 वॉल्स और मैक्स कर सकते हैं इस अपडेट में। अभी हम बात करते हैं कि बिल्डिंग्स की कौन सी न्यू लेवल्स आए हैं। तो बिल्डिंग के सबसे पहले तो हम बात करें तो आज टावर का जो न्यू लेवल है वो है 19, मतलब 19 का आज टावर अभी नेक्स्ट अपडेट में आने वाला है। और सेकंड अपडेट है हिडन टेस्ला का, मतलब हिडन टेस्ला का भी एक न्यू अपडेट आया है कि वो लेवल 12 तक अपग्रेड हो सकती है, मतलब हिडन टेस्ला का भी एक न्यू अपडेट आया है कि वो भी लेवल 12 तक अपग्रेड हो सकती है। और अभी हम बात करते हैं कि आर्मी कैंप के बारे में। तो आर्मी कैंप के बारे में ये है कि आर्मी कैंप भी एक लेवल 11 का आर्मी कैंप हो चुका है, मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो 75 की हो चुकी है, मतलब ओवरऑल कैपेसिटी सभी आर्मी कैंप मिलकर 300 हो चुके हैं टनल 13 पे। तो ये भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि न्यू सुपर ट्रूप के आने के बाद उनकी जो स्पेस है वो भी बढ़ चुकी है, और आर्मी कैंप को बढ़ाना भी जरूरी था, इसलिए उन्होंने आर्मी कैंप को भी बढ़ाया है। तो चलिए गाइस, अभी बढ़ते हम अपने न्यू ट्रूप के लेवल, अभी कौन से न्यू ट्रूप के लेवल आने वाले इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो न्यू ट्रूप के लेवल में आने वाला है जायंट का लेवल। जायंट हमें नेक्स्ट अपडेट में जायंट का लेवल 10 को देखने को मिल सकता है, मतलब जायंट 10 लेवल तक अपग्रेड करने को मिल सकता है हमें लेवल शायद टनल 13 पे। तो ये भी एक अपडेट है। और नेक्स्ट ट्रूप का जो लेवल है वो है विजार्ड का। विजार्ड जो है अभी तक हमें लेवल 9 का मैक्स था, लेकिन अभी जो है लेवल 10 का मैक्स होने को आ रहा है। और बाद में और एक ट्रूप जो है वो मैक्स का, मतलब उसका न्यू लेवल आ चुका है, वो है पेका। अभी तक हमें लेवल 8 का मैक्स मिला था, लेकिन अभी हमें पेका लेवल 9 का मैक्स मिल सकता है, मतलब मिल सकते हैं नेक्स्ट अपडेट में, मतलब पेका का भी एक न्यू लेवल आ चुका है। इसी के साथ गए खुशखबरी कि हमारे जो सुपर ट्रूप थे उनका जो कुल टाइम था उसे पूरी तरीके से हटाया गया है, और उसे मतलब पहले हमें 7 दिन तक वेट करना था नेक्स्ट सुपर ट्रूप को, उस सुपर ट्रूप को यूज़ करने के लिए, लेकिन अभी जो है वो कूल डाउन टाइम 7 डेज का वो हट चुका है और पूरी तरीके से हट गया है। और सीओसी ये बोल रहे हैं कि सभी ट्रूप को मिलकर कोई एक ऐसी मेटा स्ट्रेटजी बनानी है जो बहुत ही पावरफुल हो, जो किसी भी बेस को 3 स्टार निकाल सकती है, ऐसी मेटा स्ट्रेटजी इवेंट करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने वो कूल डाउन का टाइम जो है वो निकाल दिया है, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। अभी थोड़ी सी जानकारी हम सुपर सेल आईडी के बारे में भी जान लेते हैं। सुपर सेल आईडी जो है उसमें थोड़े से चेंजेस करने को मिल रहे हैं हमें, क्योंकि इस सुपर सेल आईडी को हम अपने नाम से भी मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपना नाम भी उसे दे सकते हैं, कोई भी नाम से उसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारी फेसबुक की जैसी प्रोफाइल पिक्चर होती है वैसी प्रोफाइल पिक्चर भी हम सुपर सेल आईडी को भी लगा सकते हैं। एक चेंजेस सुपर सेल आईडी में किया गया है सुपर सेल की तरफ से, और यही अपडेट में आने वाला है नेक्स्ट। तो गाइज, ये सारे अपडेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं
मंडे या ट्यूसडे को, मतलब 12 या 13 तारीख को हमें अपडेट देखने को मिल सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। और एक सुपर ट्रूप भी आने वाला है, कौन सा हो सकता है सुपर ट्रूप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये थे आज के अपडेट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए।